अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ यस्रा और रायतन स्पाइस विद यस्रा में आज हम बनाने वाले हैं आलू गोश्त, जिसके लिए हमें चाहिए ये गोश्त मैंने लिया है हड्डियों और चर्बी के साथ लिया है। ठीक है जी, इस तरह का गोश्त लेने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि चर्बी से जो है वो आपका ऑयल भी निकलेगा और हड्डियों से तो जायका आता ही है, अच्छा यखनी बनती है। तो गोश्त जो है वो मैंने थोड़ी सी चापी, थोड़ी सी हड्डी, थोड़ा सा गोश्त सब मिक्स ले लिया है। इसके बाद मैंने ये दो आलू लिए हैं जिसको इस तरह से काट लिया है, एक टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का उसको भी बारीक काट लिया है, एक चम्मच अदरक लहसुन कुचल के रख लिया है ताज़ा, एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, एक टीस्पून धनिया पाउडर और एक टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर। ठीक है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बता रही हूँ। और ये आधा कप मेरे पास है दही। ठीक हो गया जी, अब ये हाफ कप मैंने ले लिया है ऑयल एक पैन में, इसमें हम जो हमने अदरक लहसुन कुचल के रखा है एक चम्मच के जितना वो डाल देंगे, और ये एक हाफ प्याली जितनी मैंने लाल प्याज ले ली है। ठीक है जी, अगर आपके पास प्याज लाल नहीं हो तो आप इस स्टेज पे प्याज डाल के इसको लाल कर लें, ठीक है जी, और निकाल लें। ठीक है, अब हमने पहले अदरक लहसुन डाला था, इसके बाद हमने अपना गोश्त डाल दिया है, गोश्त डाल के हम थोड़ा सा इसको चला लेंगे। ठीक है जी, ताकि जो आकर जिन लोगों को स्मेल आती है गोश्त में से तो वो स्मेल ख़त्म हो जाती है इस तरह से। ठीक है जी, इसके बाद हम अपने टमाटर शामिल कर रहे हैं। टमाटर शामिल करके हमने इसमें प्याज शामिल कर ली है। ठीक है जी, इसके बाद हमने दही शामिल कर ली है, ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं अपनी। इसके बाद हम अपने सारे मसाले भी ऐड कर देंगे इसमें। ठीक हो गया जी, सारे मसाले डाल दिए हैं, साथ में एक चम्मच भर के मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। ठीक है, हम कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स। आलू हमने ऐड नहीं किए हैं, आलू के अलावा हमने सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। आलू हम लास्ट में ऐड करेंगे जब हमारा बीफ डन हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमने एक कप भर के पानी डाला है, बड़ा वाला मग जो होता है वो भर के पानी डाल दिया है, और हमने इसको छोड़ देना है अब ढक के 3 घंटे के लिए। ठीक है भैया जी, क्योंकि हड्डी वाला गोश्त है इस वजह से हमने लंबे टाइम के लिए इसको छोड़ा है, 3 घंटे के बाद मैंने इसको खोल के देखा है तो जो हमारा गोश्त है वो हो गया था डन। तो अब इसमें मैंने एक चम्मच भर के गरम मसाला और शामिल किया है और आलू भी साथ में शामिल कर दिए हैं, सही से मिक्स कर लेंगे और फिर आलू को पकने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। ठीक है, ढक के हमने आलू को छोड़ देंगे 15 मिनट के पकने के लिए। 15 मिनट के बाद अब हमारे जो आलू हैं वो भी डन है, तेल हमारा ऊपर आ गया है, सही से हमारे गोश्त की भुनाई हो गई है, ठीक हो गया। इस स्टेज पे 5 मिनट के लिए आप थोड़ा सा भून भी लिएगा इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आपने इसमें डाल लिया हरी मिर्च, और हाँ मैं इसमें जो है वो जब सारी चीज़ें शामिल की थी तो 2 हरी इलायची भी शामिल की थी, वीडियोस की पता नहीं कैसे नहीं बनी, तो 2 हरी मिर्चें जो है वो 2 हरी इलायची शामिल की थी। ठीक है, और जो है वो सब ये रेडी हो चुका है, अब मैं इसमें सिर्फ 2 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। और ये आलू गोश्त हो गया हमारा डन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।